साथ में जितने भी कलारम फैमिली यहाँ पर जुड़ी है सभी को एक बार मैं वेलकम करता हूँ। अमित सर, हाँ बोलिए ना। हाँ बेटा कहाँ है? अभी अभी सो गया। अच्छा, उनका डेमो नहीं है? हाँ उसका उसका लाइव करेंगे हम जरूर। वहाँ गोवा में किया उसने, काफी अच्छा वर्क किया उसने। हाँ अरे बाप, चलो गुड। हम लाइव हो चुके यूट्यूब पे, तो ओके कनिष्ठा, ओके गुड इवनिंग एवरीवन। सो एज यू ऑल नो, हमारा हर संडे का अलार्म की तरफ से सेशन रहता है, लाइव डेमो सेशन रहता है हमारे अच्छे आर्टिस्ट के साथ, सबके साथ। सो आज जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो हैं अमित धाने सर। वेलकम सर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी मैं आप सबका वेलकम करूंगी आज के हमारे संडे डेमो के लिए। सबसे पहले मैं हमारे फाउंडर्स का वेलकम करना चाहूंगी, अचिंत्य सर एंड निशि सर, जिनकी वजह से ये संडे डेमोज हो पाते हैं सक्सेसफुली। एंड देन अमित सर के लिए वेलकम कि सर आए हमारे इस डेमो के लिए, उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। सो अमित सर के जी बारे में आप सबको पता ही है कि वो बहुत अच्छे लैंडस्केप्स एंड पोर्ट्रेट्स करते हैं वाटर कलर्स में, एंड इसी के चलते उन्होंने पिछले कुछ टाइम में बहुत अवार्ड्स विन करे हैं, जिनमें से बहुत मतलब इट्स मोर देन 100 अवार्ड्स उन्होंने पिछले कुछ टाइम में अपने अपने करियर में विन किए हैं, जिनमें से कुछ फेमस अवार्ड्स जो हमें भी पता है, जैसे कि आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अवार्ड्स हैं, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ग्रुप इनिशिएटेड बाय वासुदेव कामत सर, वो अवार्ड इनको मिला हुआ है। सो इट्स इट्स लाइक अ ग्रेट टाइम इन्वेस्टेड पीरियड जो सर ने अपने करियर आर्ट को दिया है, जिसकी वजह से सर इतने अवार्ड्स विन कर पाए हैं। एंड प्लस जैसे कि इनके डेमोज होते रहते हैं हर जगह, मतलब अपने वर्कशॉप्स होते रहते हैं, तो उन्होंने पिछले कुछ टाइम में मोर देन 70 डेमोन्स्ट्रेशंस दिए हैं इन जी कलर्स ओनली। सो इट हैज बीन अमेजिंग। जो हम लोग सर का काम देखते हैं, हमारे हम ही इतना अच्छा लगता है। सो ओवर टू यू सर, आप इसमें कैसे क्या ऐड करना चाहेंगे अपने काम के बारे बिल्कुल में, और कैसे आपका ये स्टार्टअप रहा है, और कैसे इतने प्रोसीड कर पाए आप? मैं बताना चाहूंगा। सबसे फर्स्ट मुझे थैंक यू इनवाइट करने के लिए कलरम टीम का। ये आर्ट का जर्नी जो है वो फर्स्ट मैं बता रहा हूँ कि मेरे पापा भी आर्टिस्ट हैं। लास्ट 2 महीने पहले वो रिटायर्ड हो गया, एज ए प्रिंसिपल आर्ट टीचर ही थे। तो शुरू से घर में एक क्या कहते हैं, क्लाइमेट था आर्ट का। घर में हर बार अलग अलग आर्टिस्ट के पेंटिंग्स वगैरह देखता था। और मैं जहाँ पर रहता हूँ, पुणे से नजदीक सातारा सिटी है, वहां मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरा स्कूल, सभी एजुकेशन वहां पर हुआ है। तो बचपन से ही एक लोगों के साथ मिलना, और सातारा का एक अच्छा बात बताता हूँ। सातारा ये नाम जो है हमारे सिटी का, चारों बाजू से 7 हिल्स है वहां पर, तो 7 तारा ऐसे नाम उसका ये हुआ था। तो नेचर में जाने का जब भी मौका मिलता था, पापा के साथ हो, नहीं तो दोस्तों के साथ हो, नहीं तो फैमिली के साथ, तो बचपन से वो सभी जो ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी है, वो देखते चला आ रहा हूँ। तो मुझे हमेशा, मैं कहता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा जो इंस्पायर करता है वो नेचर ही है। नेचर की वजह से हर चीज में अलग अलग तरीके से मैं सीखता हूँ। तो वही रहा। और 10th के बाद मैंने पुणे में एडमिशन लिया था, जो बहुत जाना माना कॉलेज है, अभिनव कला महाविद्यालय। वहां पर मैंने अप्लाइड आर्ट और फाइन आर्ट, ये दोनों चीज वहां पर स्टडी की। काम सिर्फ, मतलब मेरा पहले से ऐसे ही एम है कि मुझे काम ही करना है। मतलब जो भी, कभी मैं ऐसे बोर नहीं होता कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि आप कितना पेंटिंग करोगे, नहीं तो यही करके आपको कभी बोर नहीं होता है क्या? पर अभी तक मुझे ऐसे हुआ नहीं। और हर पेंटिंग में मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट कुछ ना कुछ अलग चीज सीखता है। तो वो खुद के लिए एक इंस्पिरेशन होता है कि हर पेंटिंग में हम कुछ सीखे। तो वही मेरे इंस्पिरेशन का कारण है। और सबसे ज्यादा वही कहूंगा कि नेचर है, कि नेचर की वजह से काफी अच्छा सीखने को मिला। और उसी दौरान कॉलेज के वक्त हो या पास आउट होने के वक्त भी हो, कई सारे हमारे इंडिया में कई सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनसे मिलने का मौका मिला, जिनका काम देखकर मैं इंस्पायर हुआ। तो वही ऐसी जर्नी शुरू है अभी तक।
काफी अच्छा लगता है हर जगह पर जाके काम करना। पहले से ऐसे ही एक कॉलेज का सिर्फ एक मुझे ज्यादा सीखने को मिला, नहीं तो जो अच्छी चीज है वो एक मैं सबके साथ शेयर करूंगा कि कॉलेज में ऐसे होता था हमारे कि दिवाली के पहले जो भी वक्त होता था तो उसके फर्स्ट हाफ में हमारा हाफ पेपर होता था और दिवाली की छुट्टी जो रहती थी 15-18 डेज जो रहता था उसके बाद आधे पेपर्स रहते थे। तो उसके बीच में जो भी टाइम रहता था उस वक्त कॉलेज के वक्त कभी मैं मेरे घर नहीं गया। हम सब वही करते कि जब छुट्टी होती है तो हम हमारे घर जाते हैं, त्योहार मना लेते हैं, दिवाली का मजा लेते हैं, ये सभी चीज करते थे। पर हमारे एक 5-6 लोगों का जब जैसे ग्रुप था तो हमने वही किया कि आज पेपर खत्म हुए, आधे पेपर खत्म हुए, नेक्स्ट डे हमें अलग किसी स्टेट में जाना है और वहां जाकर आउटडोर करना है। कुछ ऐसे पता नहीं था वहां कहाँ पर रुकना है, मतलब रूम क्या होगी, सभी वहां जाकर ही काम करना है, वही जाके सभी मैनेज करना है। पर इसका फायदा ये होता था हर, मतलब इतनी ज्यादा ब्यूटी हमारे इंडिया में है, हर स्टेट का एक ब्यूटी है और एक लैंग्वेज है, उसका कल्चर एक है, तो ये कल्चर मुझे समझना बहुत जरूरी लगा था। तो हर साल हम अलग अलग जगह पर जाते थे, वहां का ब्यूटी, वहाँ के पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप ये हमारे पेंटिंग में कैसे आ सकते हैं, मतलब सिर्फ जाकर हमें पेंट करना है ऐसे नहीं, वहाँ के लोगों के साथ बात करना है, वहाँ का कल्चर समझना है, इसका मेरे काम पर बहुत अच्छा असर हुआ कि ये सभी चीजें देखने को मिली। और अभी भी वो जर्नी शुरू है तो ऐसा है, चालू रहता है, हर बार कुछ ना कुछ अलग ढूंढते रहो हमारे काम में। मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, डे वन जब हमारा कलाराम का शुरुआत हुआ था ग्रीन वॉश यहाँ पे पुणे में, तो वहां से ही अमित सर से जब हमारा बात हुआ, एक फोन पे उन्होंने आ गए थे हमारे पास, उनका भी डेमो वहां पे था, तो वो शुरू के पहला दिन से ही हमारे साथ है। जब भी कभी इस तरह से इवेंट हुआ हमारे साथ में हमेशा सपोर्ट है अमित सर का, तो थैंक यू करूंगा फिर से कि आपने हमेशा इस तरह से सपोर्ट दिया नहीं कलाराम यार यार, थैंक यू की बात नहीं है, पर मुझे काफी अच्छा लगता है कि आर्ट को लेके आप बहुत ज्यादा अवेयरनेस ये कर रहे हो ना, मतलब हम सभी जुड़ते, तो मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को ऐसे इवेंट में जाना जुड़ना काफी जरूरी है कि एक व्यू आर्ट के बारे में सब लोगों का चेंज हो जाता है, तो काफी अच्छा है। मैं सबके आपके अपडेट्स देखते रहता हूँ, हर जगह पर अलग अलग जगह जाकर काम करते हो और ग्रुप से काम करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि थोड़ा इवेंट करो और बाद में नहीं होता है, पर ये मुझे एक दिन लगता है काफी बड़ा ये आपका ग्रुप जो है, हमारा ग्रुप, आपका नहीं कहूंगा, हमारा ग्रुप काफी बड़ा होगा जरूर, तो बिल्कुल। काफी अच्छा एक्टिविटीज। और इंडिया में जो भी कई बार ऐसे होता है कि महाराष्ट्र में स्पेशली ऐसे कहूंगा कि इवेंट्स ज्यादा होते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलते हैं, कई जगह पर ऐसे होता है इंडिया में कि वहां देखने को नहीं मिलते, तो इजी ये प्लेटफॉर्म आपने ये किया है ना, मतलब डेवलप किया है, तो वो कई बार एक खुशी देता है हर एक आर्टिस्ट के, जो आर्टिस्ट को हम मिल नहीं पाते उनका काम देखने को मौका मिलता है, वो सही बात है बहुत। यस सर, वी कैन स्टार्ट इट नाउ। आप आज जो लैंडस्केप का डेमो देने वाले हैं, सो हम उसे स्टार्ट करते हैं अभी। यस यस, मैं सेट करता हूँ सिर्फ कैमरा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग ऑल, फिर से एक बार गुड वही। इवनिंग। तो जब तक अमित सर रेडी हो रहे हैं तो आप अपना हालचाल बता सकते हैं, सभी कैसे हैं, क्या बरसात हुआ गर्मी से पहले? एक यस दिल्ली से एक कनिष्ठा बहुत अच्छा कोशिश कर रहा है कि प्लेन यहाँ जाने की, चलो हालांकि गर्म गर्मी है, आप एक बार बताओ, हर कोई इंसान काम कर रहा है इस गर्मी में, आर्टिस्ट को क्या तकलीफ है? सर, अच्छा जी, क्या हुआ? हाँ, तो अर्ली मॉर्निंग में जाइए और 1-2 घंटा पेंटिंग कीजिए, मुझे लगता है कि अच्छा है। हम भी अभी भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी गर्मी है, कर रहे हैं थोड़ा बहुत, आप 1-2 घंटा सुबह स्केच भी करेंगे तो एक जो माहौल बन जाता है ना, आप भूल जाएंगे कितना गर्मी था, क्या है, कुछ नहीं है, और हो सकता है ना कनिष्ठा? यस सर, बिल्कुल। अभी सुबह 7 बजे जाए ना तो होता है, अभी दस साल काफी काफी अच्छा है कि कुछ आर्टिस्ट का, सीनियर आर्टिस्ट भी कॉल आया पर्सनली कि अच्छा इनिशिएटिव है कि हर स्टेट में जो भी हमारे कलाराम के जो भी
जरूरी नहीं कोई कोऑर्डिनेटर हो, जरूरी नहीं कोई कोई भी, आप कहना चाहते तो आप वहाँ पे एक ग्रुप के जरिए आप काम कीजिए बिल्कुल। तो इन फ्यूचर जो भी सपोर्ट होगा हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से हम सपोर्ट करें उस एरिया में उस टीम के साथ। इन फ्यूचर हम बात करेंगे वहाँ पे लोकल अच्छे आर्टिस्ट से कि वो भी कम से कम महीने में एक बार जाए, उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करे। तो ये सब हो सकते हैं अगर आप घर से बाहर आएंगे, इस तरह से ग्रुप मेंटेन करेंगे और बाहर जाएंगे काम करेंगे तो हो सकता है। तो हम वापस अमित सर के पास चलते हैं। यस अमित सर, आप अभी कलर्स कौन से यूज करने वाले हैं? जस्ट अ मिनट, मैं अभी यूज करूंगा ये सुपरविजन ब्रांड है चाइना का, तो वो यूज करूंगा मैं अभी वाटर कलर के लिए और डेमोस्ट्रेशन के लिए। कुछ बाकी कैमल के भी कुछ शेड्स में यूज करता हूँ, नहीं तो मजेलो मिशन गोल्ड के भी कुछ यूज करता हूँ। तो अभी जस्ट ये जो कलर्स है मैं इसके ऊपर काफी सारा एक्सपेरिमेंट है, कुछ शेड्स अलग है जो कैमल में नहीं मिलते हैं, इसका वाइब्रेंसी काफी अच्छा है। तो मैं आज मोस्टली सुपरविजन के साथ ही आज वर्क करूंगा। ओके सर, जैसे आप सबको पता होगा कि अमित सर जो है वो सुपरविजन कलर्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो आपको कलर्स के रिगार्डिंग कुछ भी, इस सुपरविजन कलर के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, जब सर वो कलर्स यूज कर रहे होंगे। यू कैन आस्क एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। आप देखना ये है कि कानून का राज कायम होगा या okay, मेरा जो ये फ्रेम है ये सही है अभी आपको दिख रहा है वो? नहीं सर, हाफ शीट दिख रही है। नहीं 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 ओके, ये परफेक्ट है सर। ओके ओके सर, यस मैंने ये वर्टिकल आज ये कर रहा हूँ मैं, तो है ठीक? यस ये सही है सर। ओके चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट एक टेम्पल का एक स्पॉट मैंने ये किया था काफी साल पहले, तो वही उसका स्केच किया था, वाटर कलर कभी नहीं किया था, तो आज मैं वो करना चाहूंगा। मॉर्निंग लाइट का है, स्टार्ट करूंगा। मैं स्टार्ट करने से पहले ड्राइंग के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि ड्राइंग जब भी हम करते हैं बेसिकली मुझे लगता है कि कई बार हम कोई स्पेशली एक स्पॉट देखते हैं और वहां से ही स्टार्ट करते हैं। अगर टेम्पल है उसका टॉप देखेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो मुझे इजी ये होता है, मुझे लगता है कि हमारे जो बेसिक शेप्स जो रहते हैं जो ट्रायंगल सर्कल और स्क्वायर वगैरह ये जो है, ये मुझे लगता है कि ये काफी अच्छे हमारे दोस्त रहते हैं। मतलब मैं वैसे मानता हूँ कि उसकी वजह से काफी मुझे हेल्प होता है जो फाइनल स्पॉट फाइनल ड्रॉइंग जो है हमें जो अचीव करना रहता है। तो फर्स्ट मैं वही करूंगा बेसिक शेप को लेके, जैसे ही स्पॉट है वो कैच करने की कोशिश करूंगा उसके शेप्स। मुझे लगता है कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका हाइट उसका विड्थ ये समझना काफी जरूरी है, तो कोई भी स्पॉट हो। अमित सर शुरू में ये कोई रेफरेंस दिखाना चाहेंगे आप मेमोरी? यस यस जरूर जरूर, मैं रेफरेंस ये करूंगा। ये एक रेफरेंस है, मॉर्निंग वाला लाइट है, जिसको देखना है प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रखो तो आपके पास रहेगा वो, जिसको कंटिन्यू देखना है वो, नहीं तो फिर ये काम तो देख ही पाएंगे। थैंक यू। HB पेंसिल मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। इसलिए कि जब हम ड्राइंग करते हैं कोई भी ड्राइंग करते वक्त थोड़ा बड़ा पेंसिल हमारे पास हो तो वो काफी यूजफुल रहता है। बड़ा पेंसिल हमेशा यूज करना चाहिए, जैसे कि लॉन्ग लाइंस जो है इजीली हम लाइन ड्रॉ कर पाते हैं इसके लिए। सर वो पेपर कौन सा यूज कर रहे हो भी बता देना, उसकी क्वेरी आती रहेगी बाद। यस यस मैं आर्चिस पेपर यूज कर रहा हूँ, रफ ग्रेन मोस्टली ये पेपर मैं काफी यूज करता हूँ। उसको सर रफ को यूज करने का खास कारण?
अगर सब्जेक्ट मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा उसमें टेक्सचर है, रफ फीलिंग है, स्टोन का अगर है तो उसके लिए थोड़ा यूजफुल रहता है ये पेपर। और ज्यादा स्मूथ वर्क हो जैसे कि सी स्केप हो, नहीं तो कुछ पोर्ट्रेट्स हमें करने हैं स्मूथ स्कीन के वगैरह, तो उसके लिए फाइन ग्रेन आप यूज कर सकते हो। पर मोस्टली लैंडस्केप के लिए मुझे लगता है कि मैं यही यूज करता हूँ और ये काफी अच्छा लगता है मुझे रफ ग्रेन यूज करना। ओके सर, और ये सभी ट्राई करना चाहिए, ऐसे ये नहीं कोई फिक्स ये नहीं रहता है कि ऐसे ही रफ पेपर ही यूज करना चाहिए, स्मूथ पेपर ही यूज करना चाहिए, ऐसे कोई फिक्स ये नहीं है। तो आपके स्टाइल को, आपके सब्जेक्ट को सूटेबल जो है वो करना चाहिए। तो सर ड्राइंग करते हुए भी उसको आप टिल्ट रखते हैं या उसको फिर अपने अपने इसके साथ पैरेलल रखते हैं, कैसे उसको रखना चाहिए वो भी बता दीजिए एक बार। ओके यस यस श्योर, अच्छा सवाल है। जब भी ड्राइंग करता हूँ, ड्राइंग करने के लिए मुझे लगता है हमारे फेस के सामने स्ट्रेट जितना पेपर हो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप आपके स्पॉट को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उसका लाइंस जो है, पर्सपेक्टिव जो है वो देखने के लिए। पर कलर के वक्त मैं उसे टिल्ट करता हूँ, क्योंकि वाटर कलर का फ्लो जो अगर आपको कंट्रोल करना है अच्छी तरह से तो टिल्ट किया तो ज्यादा बेटर होता है, नहीं तो कई बार हम सीधा ही रख के वाटर कलर्स करते हैं और उसमें एक रेनी सीजन जैसा एक फीलिंग रहता है उसमें। हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू सर। स्पॉट में कुछ चीजें अगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि हमारे पेंटिंग में कुछ चीज ऐसी होती है कि वो ड्रॉ करने से पेंटिंग दिखने के लिए खराब लग सकता है, तो ये आपका खुद का डिसीजन होता है उसे आपको ड्रॉ करना है या नहीं। तो ऐसे कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आप जो सामने दिख रहा है वही ड्रॉ करें और वही पेंटिंग में आना चाहिए। फिर आपको वही सोचना है, मुझे लगता है कि जिसकी वजह से आपका पेंटिंग अगर खराब हो, अच्छा नहीं दिखे, तो वो चीज मतलब ड्रॉ मत करो। लैंडस्केप हम क्यों करते हैं, मतलब एक सबसे सोचने वाली चीज है कि हम क्यों करते हैं, वो खुद को हमें एक बार पूछना चाहिए। मतलब सिर्फ हम पेंटिंग करते रहते हैं, बहुत करते हैं, पर उसमें क्या हमें चाहिए ये हम बहुत बार पूछते नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी हमारा काम का बढ़ाते हैं। पर उस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि हमें खुद से पूछना चाहिए, हम लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो हम ये क्यों करते हैं। तो लैंडस्केप हो, मुझे लगता है कि हम आगे की जो भी ब्यूटी है वो हम कैच करने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्यूटी हमारे पेंटिंग में आ जाए ये कोशिश मुझे लगता है होनी चाहिए। जी सर, जी सर, तो ऐड करना कुछ खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर हम उसमें से कुछ माइनस करते हैं तो वो सही रहेगा, चल जाएगा। जो यस बनाना, यस जो बनाना मुश्किल है उसको छोड़ दो, क्या बोलते राइट राइट हैं? ऐसा ही ना हो कि टेम्पल ही छोड़ दिया। ये बेसिक शेप्स सिर्फ मैं ले रहा हूँ, कहाँ पर भी कर्व्स वगैरह जो होते हैं सामने स्पॉट में नहीं, तो जो भी हमारा रेफरेंस है उसमें मैं कोशिश करता हूँ वो फर्स्ट मेरे ड्राइंग में मैं ना करूँ। बेसिक शेप से सिर्फ पॉजिटिव स्पेस नेगेटिव स्पेस वो कंट्रोल करूँ ड्राइंग में, और फाइनल ड्राइंग उसके बाद हम करें तो ज़्यादा इजी होता है, टाइम थोड़ा बच जाता है हमारा।
सर अभी आप बोल रहे थे क्वेश्चन करना चाहिए कि स्टार्टिंग एनीथिंग, तो ये काफी नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे ये सब्जेक्ट ही अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्या ये रीजन भी है लाइक स्टार्ट पेंटिंग? नहीं नहीं मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, सॉरी। जैसे कि हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी पेंटिंग या ऐसे करते जाए कि हम क्यों कर रहे हैं ये पर्टिकुलर, राइट? सपोज सब्जेक्ट ही लग रहा है मुझे, सब्जेक्ट अपने तरफ खींच रहा है, क्या ये रीजन काफी नहीं है पेंटिंग स्टार्ट करने? यस 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 चल सकता है ना, चल सकता है, पर वही मैं कहना चाहूंगा कि ये तो फर्स्ट रीजन होता है सब्जेक्ट हो, नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि सामने वाला जो विजुअल जो होता है, लाइट कॉन्ट्रास्ट होता है, लाइट शेडो जो होता है, वो हमें कभी कभी अच्छा लगता है, तो ये करना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए, पर हम वो क्यों कर रहे हैं, मतलब जो हमें सामने अच्छा लग रहा है वो हमारे पेपर में आने की कोशिश हमें करनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि सभी जगह पर काम करना भी कई बार अच्छा नहीं लगता है, मतलब काम हम काफी अच्छा करते हैं पर जो सब्जेक्ट है जो हमें पसंद आया है वो पेंटिंग में दिखता नहीं है, तो वो दिखाने की कोशिश मैं करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो हम करेंगे तो जो हम पेंटिंग के जरिए हम कहना जो चाहते हैं वो दिखता है वहां पर। ओके यस थैंक यू सर। यस वेलकम। तो अमित सर बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ भी स्पोर्ट अच्छा लगा उसमें कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, है ना? राइट राइट। तो हमें उनको हटाना है ताकि उसकी खूबसूरती कम ना हो। राइट थैंक यू सर। यस सर। पर उसके साथ ये भी होता है जैसे कि हम कोई लैंडस्केप्स स्पेशली कर रहे हैं तो उस वक्त फिगर के बारे में मैं कहूंगा कि हम जब फिगर ये करते हैं ऐड करते हैं लैंडस्केप में, कई बार ऐसे होता है कि फिगर हमें आता नहीं है, नहीं इसलिए हम ड्रॉ नहीं करते, पर फिगर का एक स्पेशलिटी ये होता है कि उसकी वजह से स्पॉट का ह्यूजनेस जो है वो हमें पता चलता है, स्पॉट की ब्यूटी और बढ़ जाती है। ऐसे नहीं कि सभी स्पॉट में हमें करना ही है, ये बिल्कुल कंपल्सन नहीं है, पर फिगर ड्रॉ करते हैं कई बार, मैं देखता हूँ कई वर्क्स वगैरह, तो ऐसे होता है कि हम फिगर सिर्फ ऐड करते हैं पर उसका स्पॉट के साथ कुछ रिलेशन नहीं होता है, तो जो भी हम सब्जेक्ट ड्रॉ करें तो वहां पर आने वाले फिगर्स कैसे रहेंगे, कैसे होते हैं, ये भी सोचना वही जरूरी है। नहीं तो कई बार ऐसे होता है एक रेड डॉट डालते हैं उसके बाद दो हाथ दो पैर ब्लैक कलर के साथ हम करते हैं, तो वो अगर नहीं किया, मेरा ये मानना है कि वैसे नहीं किया तो ज्यादा अच्छा है, उसके स्पॉट को मतलब जो अच्छा लगे सूटेबल फिगर हो वो हमें जरूर करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वही समझा अभी, जैसे हम वहां भी थे खजुराहो में थे तो विश्वास सर कर रहे थे, तो फिगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो स्पॉट के हिसाब से, जैसे टेंपल किया तो वहां पर उन्होंने दो पुजारी अच्छे से दिखाया जैन टेंपल, उसका पता लग रहा है ये, तो मतलब आपका भी यही कहने का मतलब है कि कनेक्ट करना चाहिए उसके साथ, जगह के साथ। एग्जैक्टली वही वही। ग्रेट थैंक यू। मतलब वही ये हुआ कि मैंने जैसे पहले कहा कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्यों हम कर रहे हैं, तो उसमें वो भी बात आ गई कि हम कर रहे हैं तो वो उसमें दिखना ही चाहिए। और कई लोगों का ऐसे रीजन होता है मुझे लगता है स्पेशली कि थोड़ा फिगर ड्राइंग का प्रैक्टिस कम होता है, तो थोड़ा सा हम ये करते कि चलो नहीं किया तो चलेगा, नहीं तो सिर्फ एक डॉट डाल दो और फिगर करो, क्योंकि हम इतना टाइम इसके ऊपर देते हैं बाकी स्पॉट के ऊपर ड्राइंग करने के लिए, तो फिगर में भी थोड़ा हमने अगर टाइम किया तो आपका वर्क उतना ही अच्छा लगेगा। ग्रेट 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 सर। ये भी होता है ना कभी कभी फिगर आपके काम को एनहांस भी कर देता है, कभी कभी काम को बिगाड़ भी देता है। राइट लाइक हो जाता है कभी कभी, मेरे साथ हो चुका है सर, लाइक जबकि वो फिगर सामने थे लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ की वजह से प्रोपोर्शन या कुछ भी वो बिगड़ गया पूरा वर्क। नहीं पर वो अच्छा है कि आपने ट्राई किया, कई बार आता नहीं हम ट्राई नहीं करते पर जब बिगड़ता है तो ये पता चलता है कि हाँ वो क्यों बिगड़ा है, उसका
ड्राइंग खराब हुआ है, प्रोपोर्शन खराब हुआ है, ये रीजन हम ढूंढते हैं. ऐसा तो नहीं हुआ उसके बाद बनाना ही छोड़ दिया? नहीं, बनाना नहीं छोड़ा. इसके लिए फिगर के लिए आप क्या कर सकते हो, छोटा स्केच बुक हमारे साथ में रख सकते हो. उस स्केच बुक में क्विक स्केच हम कर सकते हैं कि सामने जैसे फिगर से अगर ऐसे ना हो कि वो चल रही है तो हम कैच नहीं कर पा रहे, जो वहां पर रुकी है वो फिगर ट्राई करो, वो भी चल सकता है. पर कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास अभी अवेलेबल है काफी इक्विपमेंट्स रहता है कि आप फोन आपके पास रहता है, क्लिक करके ड्रॉइंग करते हो. पर मुझे लगता है वो ठीक है कि एक ऑप्शन है, पर लाइव ड्राइंग करना बहुत जरूरी है. उसकी वजह से आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, मतलब क्विक कुछ है. तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फोन यूज नहीं करो, ऐसे नहीं कहूंगा, पर ट्राई करो कि लाइव जो है वो चल रहा है नहीं तो खड़ा है, वो छोटे छोटे स्केच क्यों ना हो, छोटे स्केच बुक में आप ड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद अब वो ऐड कर सकते हो फाइनल ड्राइंग में, आपको जो भी फाइनल ड्राइंग रहेगा उसमें. ड्राइंग के लिए थोड़ा टाइम जरूर देता हूँ क्योंकि काफी अच्छा लगता है मुझे, अच्छा ड्राइंग हो तो ही थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट अच्छा आ जाता है काम करने के लिए. नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है कि कब ड्राइंग खत्म हो रहा है और कलर कब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे होता है. जब भी तक वो स्टेज नहीं आए कि ड्राइंग को एंजॉय कर रहे हैं, उसका मतलब अभी मैच्योरिटी नहीं है. नहीं सही है ये बात, क्योंकि ड्राइंग बहुत बहुत जरूरी है, मतलब उसके ऊपर ही काफी डिपेंड है. आप कलर कर रहे हो वो भी एक ड्राइंग ही है, मतलब सिर्फ उसका क्या कह सकते हैं कि मीडियम चेंज मीडियम हो रहा है. चेंज है. हाँ मीडियम चेंज हो रहा है, ब्रश बोल्ड ब्रश है, छोटा ब्रश है, वो ब्रश मतलब स्केचिंग की तरह ही मैं देखता हूँ उसे. यानी इस उत्तर प्रदेश में या तो अच्छा है. ऐसा कई बार क्या होता है, हम वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसमें स्केचिंग को बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो हाँ वही देख के हमें भी लगता है कि नहीं, ये स्केचिंग तो जल्दी करनी पड़ेगी. तो अभी आपका पेशेंस देखकर हम सभी को भी समझ आता है कि हाँ, ये थोड़ा इत्मीनान से करने वाली चीज है. फिर वही है एक चीज की पेंटिंग हम क्यों बनाते हैं ना, मतलब अच्छा होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है. मतलब कई लोग बहुत फास्ट करते हैं, मतलब वो एक स्टाइलाइजेशन हुआ कि कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं कि आपको नहीं करना है. ड्राइंग के ऊपर अच्छा कमांड हो तो आप जरूर ये कर सकते हो, पर ड्राइंग वही है कि ड्राइंग अच्छा ही करो, क्योंकि काफी सारे अच्छे अच्छे हाँ आर्टिस्ट मैंने देखे हैं कि इतने अच्छा ड्राइंग के लिए अच्छा टाइम देते हैं, क्योंकि उसमें जो भी आपको बताना है, मतलब एक ऐसे ये नहीं कि आपको एक ही मीडिया में सिर्फ कलर के साथ ही आपको दिखाना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है. ड्राइंग में भी आप उतना ही अच्छा ये कर सकते हो. और खासकर मुझे लगता है कि जो लर्निंग पीरियड है उसमें तो जरूर हमें उसको अच्छे से स्टडी करके, ऑब्जर्व करके ही उसको करना चाहिए. बाद में फिर भी हम फास्ट करें तो चलेगा. फोटोग्राफ में लेके रखता है स्केच का.
कलर में स्टार्ट करता हूँ। बस लाइटेस्ट जो कलर है जो भी स्पॉट में वो फर्स्ट में फील करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, जो लाइट अच्छी तरह से कैच हो सके। सर वाटर कलर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना? सॉरी मतलब सर मतलब बिना ड्राइंग करे उसको अगर डायरेक्ट करें? हाँ हाँ यस जरूर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर देख रहा हूँ जो स्पॉट है वो वार्मर लाइट है और शेडोज जो है वो काफी कूल है, तो वो ट्राई करूंगा वो अचीव करने का। वार्मर लाइट जो है उसकी वैल्यू क्या है? और कलर भी मैं ये बताऊंगा कि कोई लाइट के लिए हमें सनलाइट के लिए कौन सा कलर यही देना पड़ता है, यही कलर होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मतलब जो भी सामने रेफरेंस है, नहीं तो हम लाइव अगर कर रहे हैं तो उस वक्त वहां मुझे क्या फील हो रहा है, वो कलर कौन सा दिख रहा है, इसके लिए वैल्यू स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू स्टडी बहुत करना चाहिए मुझे लगता है। सर वो कौन से कलर यूज किए अभी? अभी वार्म के लिए मैंने येलो ऑकर कलर है, ऑफिस कुछ यहाँ पर शैडो के लिए ब्लू कलर मैंने यूज किया है, रेड किया है। ये ब्रांड के सिर्फ नेम्स जो हैं वो थोड़े अलग है, मैं शेयर करूंगा इसका नाम। आपके पास ब्रश मुझे लगता है अच्छे हो, जो भी आप ड्राइंग कर रहे हो उसके लिए मटेरियल मुझे लगता है कि अच्छा ही हमें यूज करना चाहिए। ऐसे ना हो कि कुछ रीजन की वजह से मेरे पास ब्रश नहीं है, नहीं तो ये कलर नहीं है तो इसके लिए अच्छा नहीं हुआ, तो ये रीजन मुझे लगता है पेंटिंग करते वक्त नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है आप ऑन द स्पॉट जा रहे हो और कुछ चीज भूल के आए हो, पर आपका सेटअप जो है मुझे लगता है अच्छा, एक जैसे हम कहते हैं ना कि किंग कैसे रहता है, कि उसके जैसा आपका सेटअप होना चाहिए अच्छा, कि कुछ चीज ना हो ये रीजन आपका पेंटिंग में ना हो। बिल्कुल आपने ना कुछ अलग ही बात की है, क्योंकि अक्सर हर बार यही बोलते हैं कि हम भी बहुत बार डेमो में यही वो करते हैं कि जरूरी नहीं है कि मटेरियल अच्छा हो तभी पेंटिंग अच्छी बनेगी, लेकिन फिर भी मटेरियल भी अच्छा कर लो एक बार, ताकि वो ऑप्शन भी खत्म हो जाए हमारे एक्सक्यूज देने का कि मटेरियल अच्छा नहीं था।
मटेरियल अच्छा लेकर आओ, उसके बाद करो, फिर अपनी मेहनत पर जोर दो। पर ये भी है ना, जिसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, मतलब वो भी कैसे हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, मतलब कि वैल्यूज और ड्राइंग के ऊपर अच्छा कमांड हो, अच्छी स्टडी हो ना, तो वो अगर मटेरियल भी कम है, लिमिटेड कलर्स है, लिमिटेड पैलेट के साथ अच्छा काम जरूर कर सकता है, कर सकता है। यस यस, पर ये सभी चीजें साथ में रखनी चाहिए कि उसके वैल्यूज के स्टडी क्या हम कर रहे हैं। अमेजिंग सर, सही जा रहा है। थैंक यू। सर एक मिनट के लिए वो बेस कलर बता सकते हैं जो आपने किया है सर? बेस के लिए येलो ऑकर और ऑरेंज वगैरह आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा रेड ये किया है उसने यूज। ओके सर, और सेकंड को? सेकंड ब्लू का इम्प्रेशन ज्यादा है वहां स्पॉट में, तो ब्लू और आप रेड यूज कर सकते हो उसमें। ओके सर। यस सर, आपको वो रेफरेंस दिखा सकते हैं क्या? यस यस, दिखा सकता हूँ। रेफरेंस एक्चुअली स्टार्टिंग में दिखाया था सर ने, तो अभी एक बार फिर दिखा देंगे, कोई बात नहीं। ओके सर, थोड़ा ट्राई होने की मैं वेट करूंगा। सर ये A3 साइज है? A4। ओके थोड़ा यहाँ पर ड्रायर में यूज करूंगा जरूर। एक ही मिनट होल्ड करना, सॉरी। तो सही है, कनिष्ठा जी ने ना वो ग्रुप में हमारे चैट में रेफरेंस पिक का वो स्क्रीनशॉट डाल दिया है, किसी को भी देखना है तो दोबारा वहां से देख सकता है। अमित सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना था। यस यस, क्वेश्चन हेयर ड्रायर का ब्रांड तो बताया नहीं सर आपने। हाँ, वो कोई भी यूज कर सकते हैं आप।
नहीं मैंने ऐसे मतलब स्पेशली वाटर कलर के लिए लिया नहीं था, ये मेरे वाइफ का ही था, जैसे आप घर में रहेगा वो यूज कर सकते हैं, ये फिलिप्स वाला है जो कपाट इसके लिए शादी करना पड़ेगा फिर हेयर बैग के लिए तो सही है। मिल जाएगा वो अपने आप। मैं पैलेट बहुत बार, मुझे लगता है पैलेट हमेशा क्लीन होना चाहिए हमारा, जो पानी है स्पेशली लाइट कलर के वक्त, हम जो मड़ी हुआ पानी होता है कि खराब होता है, हम बार बार कोई कलर्स यूज करके करते हैं, तो उस वक्त हमेशा चेंज करना बहुत जरूरी है। वो एक रीजन होता है कि आपका पेंटिंग डल होने का एक रीजन होता है, कि कई बार हम देखते हैं कि इतने अच्छे ब्रांड का हम वाटर कलर यूज करते हैं, तभी हमारा पेंटिंग खराब क्यों होता है, डल क्यों दिखता है, तो वो हमेशा बड़ा बाउल चाहिए तो उसे वैसे यूज करो। नहीं तो कई बार स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि हमारे पास बाउल हम बहुत बार भूल जाते हैं, एक बिस्लेरी रहता है उसे काट कर आधा बनाकर हम यूज करते, तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए सिर्फ वो चीज। सर ये कौन सा ब्लू है? ओके हाँ ये कोबाल्ट ब्लू है। सर और मैं हमेशा यही कलर यूज करता हूँ, ऐसे नहीं, जैसे आपका स्पॉट है रेफरेंस है उस हिसाब से, मतलब ब्लू में कई सारे अलग अलग शेड्स रहते हैं, तो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके उसे सिर्फ ऐड करना चाहिए।
सर आप कौन कौन से कलर ले रहे वो भी बताते जाइए। हाँ हाँ यहाँ पर अभी मैं सिर्फ कैमल को जो शेड है वो नाम से मैं बताऊंगा क्योंकि इनके नेम्स कुछ अलग है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि ये बताना, मतलब कुछ शेड्स के नाम में बताऊंगा इनके जो मतलब पाइन है, साइप्रस, ऑलिव ग्रीन, ऐसे ऐसे कुछ कलर्स है, पर मैं कैमल में जैसे नाम है वैसे मैं बताऊंगा। या कुछ ब्राउन और ऑरेंज में यूज करो और ब्लू ये कलर यूज करो यहाँ पर। सर वाटर कलर में कुछ ऐसा रहता है कि हमें पहले शेडो वाला पार्ट या डार्क पार्ट पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए और फिर थोड़ा डार्क कलर का यूज करना चाहिए? नहीं तो सेफ साइड आपको अगर काफी ये होता है ना काम करते वक्त कंफ्यूजन की कौन सा स्टार्ट ले तो मुझे लगता है कि लाइट टोन फर्स्ट यूज करना चाहिए, लाइटेस्ट टोन जो है उसके बाद मिडल टोन्स और फिर डार्क टोन्स वो आप यूज कर सकते हो। ओके सर। बहुत सही सर जी, थैंक यू।
वाटर कलर में और एक चीज है, उसके एजेस जो होते हैं, हम जो भी एप्लीकेशन करते हैं, एजेस भी बहुत जरूरी होते हैं, जो आपको इफेक्ट ये होना था। यहाँ शेडोज जो है थोड़े डिस्टेंस के साथ है, तो इसका एजेस थोड़ा सॉफ्ट में करो यहाँ पर। बहुत अच्छा जा रहा है सर, मजा आ रहा है अभी से। थैंक यू। सर आपने लाइट को इतना अच्छे से बचा के रखा, वो बहुत मजा आया देख के। यस, तब तक मैं वही देख रही थी कि लाइट अच्छे से आपने उसको मेंटेन किया। यस, बस सर यहीं छोड़ दो, मजे मजा आ गया यहीं पे। चलेगा यहाँ पर थोड़ा तो? सर ये बीच बीच में आप टर्कोइज यूज कर रहे हैं क्या? ब्लू? यस यस, टर्कोइज ब्लू यूज कर रहा हूँ। पेंटिंग से बहुत सुंदर। यस, मेरे काफी पेंटिंग में आप देख सकते हो, काफी पेंटिंग में मेरे रहता है। कहीं ना मिले तो सर बैकग्राउंड में तो मिल ही जाता है फिर। हाँ हाँ, यस यस, वो गोवा वाले वर्कशॉप में मैंने जस्ट रिसेंटली यूज किया था, वहां पर काफी अच्छा वो स्विमिंग पूल था इसलिए मैंने यूज किया था। हाँ, वो बहुत सुंदर आया आपका वो पोर्ट्रेट जो आपने डाला हुआ है गोवा वाले से। yes. बहुत सुंदर है वो। लवली। तो सर आप का भी रिसेंटली जितना भी हम वर्क देखते हैं तो पोर्ट्रेट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू लैंडस्केप। यस यस, पोर्ट्रेट आप ज्यादा पसंद करते हैं लैंडस्केप्स, है ना सर? नहीं ऐसे कुछ नहीं, मतलब ऐसा है क्या? नहीं, मैं काफी ज्यादा लैंडस्केप बहुत ज्यादा करता हूँ, पोर्ट्रेट भी करता हूँ, पर बहुत सारे वर्क्स यहाँ पर मतलब सोशल मीडिया पर नहीं है, मतलब नहीं है। हाँ, मतलब मैं ज्यादा उतना एक्टिव नहीं रहता ऑनलाइन, पर आउटडोर काफी बार चालू ही रहता है, मतलब हमेशा स्टार्ट ही रहता है कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटीज हो। पर जहां पर भी मैं जाता हूँ, कहीं अगर मेरे गांव में जाता हूँ तो मैं पसंद करता हूँ कि वहां का कुछ स्पॉट में ड्रॉ करूँ। ग्रेट, तो सर शेयर किया कीजिए ना, इंस्पिरेशन मिल जाती है बहुत। नहीं जरूर जरूर, मैं करूंगा शेयर।
और सर आप मीडियम का भी आप मुझे बताइए, जैसे हमने इंट्रो किया आपका कि वाटर कलर में काम करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप दूसरे मीडियम भी यूज करते हैं, तो और भी इसके अलावा आप क्या क्या मीडियम यूज करते हैं? मैं चारकोल यूज करता हूँ बहुत बार, चारकोल है और ऑयल कलर मैं कई बार यूज करता हूँ, ये पसंद है, ऑयल कलर काफी मुझे पसंद है। ओके दैट्स ग्रेट, मैं शेयर करूंगा, मतलब रिसेंटली मैंने ये किया था कि ऑयल के कुछ बहुत कम मेरे वर्क्स है ऑनलाइन पर वो शेयर करना है मुझे। बिल्कुल सर, हम जल्दी मैं शेयर करूंगा, हम देखना पसंद करेंगे इनको जरूर। यस यस जरूर। और मैं एक तो बाकी जो यस यस बोलिए बोलिए। नहीं सर आप बोलिए। हाँ मैं मतलब कई बार अलग अलग काम स्टार्ट रहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, इस बार इसके लिए एक रीजन है कि कई बार काम शेयर करना वो टाइम पे नहीं करना ये हो जाता है मेरी तरफ से। फिर देखूंगा, थोड़ा ट्राई करूंगा कि और वर्क आपके साथ शेयर करो। जी सर। अभी मैं भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। वो गोलमाल वाला जॉनी लीवर हो गया। बोला रिवाइंड कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं? और डिलीट ही कर दिया बिल्कुल माइंड ने। तो हाँ मैं आ गया, याद आ गया, थैंक यू। yes. कुछ नहीं, मैं एक इन्फॉर्मेशन यही दे रहा था, बाकी तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग अगर नए जुड़े हैं तो उनको बता दूं कि जो ये हमारे सेशन चलते हैं हर संडे लाइव डेमो के, ये कलारम के यूट्यूब चैनल पर सेव रहते हैं, और इसके बाद भी अगर आप दोबारा से, क्योंकि अभी फ्लो में बहुत कुछ ऐसा होता है कि याद नहीं रहता, तो ये जो सेशन है ये हमेशा रहेंगे कलारम के यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके डेमो ऑलरेडी कलारम के यूट्यूब चैनल पर हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और रिसेंटली खजुराहो में हमारे जो इंडिया के ग्रेट आर्टिस्ट हैं आचरेकर सर, विजय आचरेकर सर, उन्होंने भी एक ऑयल में पोर्ट्रेट का डेमो किया था, जो कि अवेलेबल है कलारम के यूट्यूब चैनल पर, तो मुझे लगता है कि आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि कलारम की जो खजुराहो वर्कशॉप थी, वैसे तो सभी वर्कशॉप के जो एक्टिविटीज होती हैं वो कलारम के यूट्यूब चैनल पर एज ए ब्लॉग, डेली ब्लॉग मिलेंगे आपको, तो खजुराहो की भी वो सब एक्टिविटीज कलारम के यूट्यूब चैनल पर डेली ब्लॉग के नाम से है, और एक पूरे जो हमारा वर्कशॉप था उसका एक कंबाइंड वीडियो आ रहा है, जो भी वहां पर लर्निंग हुई, क्या एक्टिविटी हुई, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, उसका ट्रेलर ऑलरेडी लॉन्च किया है हमने पिछले कल, तो आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो और कलारम के यूट्यूब चैनल पर भी, उसे जरूर देखिएगा, और जल्दी ही वो पूरा वीडियो भी आ जाएगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो सभी को पता लगेगा कि कलारम ग्रुप क्या करता है बाहर जाकर, और जरूर देखिएगा। थैंक यू। कूल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये रहेगा। वो कर देते हैं, वो ये सब कर देते हैं। नहीं सर, मैंने अभी रिसेंटली देखा खजुराहो का अपडेट्स आचरेकर सर का वगैरह, काफी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वर्क सर ने किया, वो एक अच्छा इंस्पिरेशन है सभी यूथ के लिए कि जो इंडिया में काम करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर के पास से, तो जरूर मुझे लगता है सबने देखना चाहिए, जरूर मस्ट है वो, तो यार सामने लाइव डेमो देखना तो एक मतलब रियली एक ड्रीम जैसा ही था, बहुत ही अमेजिंग ये वर्कशॉप था लर्निंग के पर्पस से देखा जाए तो, क्योंकि सभी को ऐसे लगता है कि एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो प्राइमरी पर्पस है कलारम की वर्कशॉप का वो यही रहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम सीख सके जो भी हमारे मेंटर आर्टिस्ट हैं। इसी के साथ एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे आने वाली वर्कशॉप है कश्मीर में जो कि 19 मई से लेकर 24 मई तक है, उसमें सिर्फ 3 या 4 सीट आई थिंक लेफ्ट है,
तो अगर कोई से ज्वाइन करना चाहता है तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिएगा। विलास कुलकर्णी सर, सिकंदर सर और मधु कुमार सर, साथ में निशिकांत पालांडे सर और अचित हाजरा सर तो रहेंगे ही, तो वो भी बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप होने वाली है कश्मीर में। अच्छा, काफी अच्छा क्लाइमेट मिलता है वहां पर काम करने के लिए। मैं 2-3 बार वहां पर गया हूँ। कश्मीर में सर? हिमाचल में गया हूँ, जो मनाली हो, मनाली और मैक्लोडगंज। तो बहुत अच्छा था, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है वहां पर काम करने का। जो भी रेगुलरली हम यहाँ पर करते हैं उससे कई अलग एक्सपीरियंस है। अलग है, बहुत जल्दी क्लाइमेट चेंज भी होता है ना सर? यस यस, वो एक अच्छा ये हमारे लिए भी अच्छा है कि जल्द से जल्द कैसे क्विक क्लाइमेट कैच किया जाए, वो भी एक अलग से सीखने को मिलता है। बिल्कुल सर। तो हम सर लास्ट टाइम भी कश्मीर गए थे और करीब 90 से ज्यादा आर्टिस्ट थे। अरे क्या बात, वो एक रिकॉर्ड वो था, वो जो कश्मीर में लास्ट ईयर कलारम ने किया है। और उसको भी हमने YouTube पर जो भी एक्टिविटीज थी वो हमने शेयर की हुई है। तो इस बार हम और भी ज्यादा प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमें बहुत कुछ पता लगा कि क्या क्या और भी हम इसमें कर सकते हैं। तो इस बार ये और ज्यादा इंटेंस होने वाला है लर्निंग पर्पस से। ये सभी अच्छे आर्टिस्ट है, साथ में काम करने के अलग ये रहता है। और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि अमित कुमार सर से हम कानपुर में मिले थे, अमित धाने सर से, सॉरी, कानपुर में मिले थे। हाँ। तो बहुत ही अमेजिंग सर, आपका नेचर भी बहुत हम्बल, और जितने ही आप अच्छे आर्टिस्ट हैं उतने ही अच्छे आप पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो भी एक और मजेदार बात है। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि आप जैसे आर्टिस्ट के साथ हमें मिलने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। ये होस्ट कौन कर रहा है वैसे? अमित सर के साथ वो कलारम की पूरी टीम ही हम्बल है। थैंक यू सर, थैंक यू। अचिंत हजरा सर, सिकंदर सर, शीतल सर, बहुत अच्छा टीम है। अरे ये गोड़गे सर आप बात कर रहे हो? यस यस यस, आवाज कजन लिया आपका। जी सर, ये भी सर बड़े अमेजिंग है और बहुत मजेदार। थैंक यू सर। ओके नमस्कार सर। झूठ बोल रहे हो, नहीं तो दोबारा मिलते आप। आपका जब जब वो जो इवेंट आता है ना, हमारे एग्जाम के टाइम में आता है। हमारी सर आप ऐसे बोलो ना कि हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये घोड़के सर काफी अच्छा काम करते हैं, मतलब मैंने देखा है वर्कशॉप में वगैरह, काफी अच्छा पेशेंस है। मतलब स्पेशली ये लगता है कि वो स्कूल में वगैरह वर्क करते ना, वो स्कूल संभाल कर इसके लिए टाइम देना एक काफी चैलेंजिंग रहता है, मतलब ये सभी मैनेज करना। पर मुझे लगता है जिसे मन से इच्छा हो वो कैसे भी टाइम निकाल लेता है। कई बार हम ऐसे रीजन देते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं जॉब करता हूँ, ऐसे रीजन देते हैं। आपका और अचिंत्य सर, सिकंदर सर, शीतल सर, विश्वल सर, इनका बहुत सपोर्ट मिल गया, बहुत सपोर्ट। और एक और एग्जांपल तो हमारे पास अमोल सर है, वो आग लगा रहे थे। हाँ। वो भी मस्त, अमोल भी काफी अच्छा। थोड़ा रोहन भाई ना कॉल बना नहीं। मस्त हो रहा है अमित जी। यस अमोल सर, इधर ही है क्या? नमस्कार सर, सुन रहा हूँ सर। सुन रहा सर, आप कहाँ कहाँ रहते हो? आप कितने हो सर? एक ही हो ना सर? हम शक्ल बहुत है मेरे, घूम रहे यहाँ वहाँ। करो करो, अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है। अमोल कैसे हो? बस बस बहुत बढ़िया।
नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। अभी 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 असल में आवाज आग लगाने वालों की। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आग लगाने का टैग लाइन तो अचिंत्य हजरा सर का है। हाँ वही ना। हाँ। उनके पास साल असल में रियल माचिस के पास उन्होंने आग लगा दिया है। अभी तो हर कोई आग माचिस उनके पास ही है। नहीं नहीं। सही है सही है सही है। कीजिए कीजिए काम कीजिए। अच्छा हो रहा है। ऑल द बेस्ट अमित जी। ऑल द बेस्ट। यस यस थैंक यू अमोल। अमोल सर मैंने आपको एक स्पेशल कमेंट दिया था देखा yes, आपने? पढ़ा मैंने पढ़ा पढ़ा। मैंने रिप्लाई भी किया उसको। ओके सर। चलिए सर को काम करने दीजिए। डिस्टर्ब मत कीजिए। बातों बातों में कंप्लीट भी हो गया आई थिंक। क्या हमारे साथ अनिकेत महाले सर है जो कि पुणे नासिक नासिक से है। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। बहुत ही अच्छा हो रहा है सर। थैंक यू। आर्चिस पेपर है। अच्छा ही होगा। नहीं बात वो नहीं है एक्चुअली सवाल किया कौन सा पेपर है मैं ऐसे ज्यादा लंबा ना करते हुए जवाब दिया उनको आर्चिस पेपर है। अच्छा अच्छा किसी ने क्वेश्चन किया चैट बॉक्स में। ठीक है ठीक है उसका जवाब दिया मैंने तो नहीं पर ये पेपर भी अच्छा ही है मतलब काम करने के लिए काफी हेल्प होता है कि आपका पेपर बहुत कम चांसेस रहते कि खराब निकलने का। देखो एक बार के बाद तो आप न्यूज़पेपर पे भी काम कर सकते हैं ऐसा। हाँ वो बट ये एक क्वेश्चन रहता है सभी का कि हमें कब जो है अच्छे पेपर पर शिफ्ट करना चाहिए तो अचिंत्य सर अभी तो अमित सर बताइए। हाँ हाँ बताओ अमित सर आप बताइए। ऐसे ये आजकल वो चित्रपट पेपर काफी अच्छा आ रहा है। कई बार ऐसे होता है इंडिया में कि बहुत साल से मैं हैंडमेड पेपर इंडियन भी यूज करता था पर उसमें कई बार अच्छे आते हैं कई बार ब्लॉट पेपर निकल जाते हैं पर चित्रपट बेसिक स्टडी के लिए काफी अच्छा है आप यूज कर सकते हो वैसे। और बाद में शिफ्ट होने तो बाओहोंग काफी अच्छा पेपर है आर्चीज है लाना है तो सभी पेपर्स आप यूज कर सकते हो कि इसमें रिजल्ट अच्छा हमें मिल रहा है कि हर आर्टिस्ट को एक ही पेपर पर ही काम करने ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है जैसे उसका स्टाइल हो एक्सपीरियंस हो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं पर ये सभी जो नाम बताए वो काफी अच्छे पेपर है। और अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो मैं अपने लेवल पे आपको बता सकता हूँ कोई भी जिनको लगता है कि पेपर चेंज करना चाहिए तो मैं अपने एंगल से आपको बता सकता हूँ। मुझे आप दो पेंटिंग शेयर करना है ओनली टू पेंटिंग रिसेंट तो शायद आपको थोड़ा गाइड कर पाऊंगा कि आपको स्विच करना चाहिए या और थोड़ी देर कुछ पेपर में करना चाहिए मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ। सर मेन प्रॉब्लम ये जो शेडोज होती हैं तो उन्हीं से वाटर कलर में सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है सर वो ही बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कितना एक हफ्ते में कितना पेंटिंग बनाते हैं आप?
सर मैंने वाटर कलर तो बहुत कम करा है, एक्रेलिक पे ही ज्यादा करा है, पर अब वाटर कलर शुरू करा है सर। तो आप वाटर कलर में ही सीखना चाहते हैं या एक्रेलिक में ही सीखना चाहते हैं शैडो? सर दोनों ही, मतलब अभी वाटर कलर पे फोकस करा है क्योंकि वो उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छे बनते हैं। फोकस किया बट किया नहीं है ना पेंटिंग? जी सर। हाँ तो पेंटिंग करते रहो ज्यादा। जी सर। और ये वीडियो बार बार देखो, कलर हम यूट्यूब में मिलेगा ये वीडियो। ओके सर। है ना, कम से कम 4-5 बार देखो शैडो कैसे बनाया, और फिर आप खुद भी करो। ऐसे बोलने से पूछने से कुछ नहीं होने वाला, एकदम रियल बात है, आपको करना पड़ेगा। जी सर। हाँ जी जी, क्या बोलते हैं? ये सही कहा। यस जरूर जरूर, क्योंकि कई बार कोई एक प्रोग्राम में मैंने कहा था, नहीं देखा था कि बॉडी कैसे बनाते हैं, बॉडी बनाते तो ऐसे ही हो जाता है कि नहीं, तो उसे कहा था कि प्रार्थना करने से मिलेगा क्या कि नहीं, तो वैसे ही है सेम यहाँ पर भी। आप जितना प्रैक्टिकल करोगे, देख के ऐसे कुछ आपको थोड़ा टिप्स मिल सकता है, पर जब आप पेपर और ब्रश के साथ खेलोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि उसका इम्प्रेशन क्या है, उसका फीलिंग क्या है, पानी कितना लेना चाहिए कितना नहीं। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं कि वैसे ही प्रैक्टिकल जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ जाएगा। तो बात करना था। सर हम इसको ट्राई करेंगे, कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आएगा कोई? क्या क्या? मैंने कहा इसे हम ट्राई करेंगे, कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आएगा कोई? अरे नहीं। सुपर्ब सर। लर्निंग के उससे देखा जाए ना तो इससे अच्छा डेमो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। हर चीज इसमें मतलब मिल गई, मतलब पूरा पैकेज है। अभी तक जितना भी हमारे यूट्यूब में डेमो लेके आए, हम जो मास्टर्स को लेके आए जो डेमो दिया, तो हर किसी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो आज ज्वाइन किया या जो भी आप सोचते कि आप देखेंगे वीडियोज, शायद आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेमो नहीं होते, उनके सारे बातें होते हैं, हम सबके सवाल होते हैं उनमें, जो कि आपका भी सवाल होता हर वक्त, तो वहीं से क्लियर हो सकता है। और आज भी वैसे ही हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है, कोई सेम कॉम्पोजिशन में हर एक आर्टिस्ट नहीं आ रहे, डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, डिफरेंट पेपर है, कलर है, अप्रोच करने की जो स्टाइल अलग है, बहुत कुछ होता है आर्टिस्ट के, यूनिक होते हैं तभी वो सभी आर्टिस्ट अलग बन दिखता उसमें काम में। बिल्कुल। और इसमें क्या है, आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस वो शेयर होता है, वो बहुत कुछ सिखा जाता है। हाँ, अगर सब आर्टिस्ट में तो एक अगर कॉमन लाइन है कि आपकी ड्राइंग, तो वो सभी आर्टिस्ट के पास, किसी के पास जाएंगे वही बात करेंगे कि ड्राइंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ड्राइंग करना चाहिए। हमारे अनिकेत महाले सर भी कहते हैं कि पेंसिल का किलोमीटर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छी बात है। तो आप देखिए आपके पेंसिल में किलोमीटर कितना चला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अमित सर, ये आपका वॉयलेट बहुत ही सुंदर है, ये अल्ट्रामरीन एंड क्रिम्सन है क्या मिक्स? नो, रेड। रेड, ओके। रेड है। फिर वही कहूंगा कि वो स्पॉट में वैसे दिख रहा है, तो मैंने ये किया है कि तो ही मैंने यूज किया है, नहीं तो हर बार एक ही कलर में यूज करो जैसे बिल्कुल नहीं। और करना भी मुझे लगता है अगर आप सीख रहे हो तो आपने नहीं करना चाहिए। जब आपका एक स्टाइल वगैरह होगा कि किसी कलर के साथ आप काम कर रहे हो, वही कलर आपके इसमें आ रहा है, तो एक वो स्टाइलाइजेशन हुआ। पर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए प्रॉपर जो
ओरिजिनल जो कलर है वही कैसे हमारे पेंटिंग में आ जाएगा, ये मैं अभी तक मुझे लगता है कि मैं भी कोशिश करता हूँ, पर ये करना चाहिए, अच्छा लर्निंग का ये होता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ये तो हम कई पेंटिंग्स बनाते हैं, सभी इसमें सनलाइट एक ही जैसा, शैडो एक ही जैसे, तो उसमें कुछ अलग बात होती नहीं है ना अगर। बिल्कुल हाँ, तो हम क्या करते कि स्पॉट पर जाकर भी वही कलर अगर यूज करते हैं तो वहां जाकर हम ऑब्जर्वेशन कम करते हैं, एज अ बिगिनर कहूंगा, नहीं तो एज लर्नर कहूंगा। अच्छी तरह से समझना है तो वो चीज आपको जरूर करनी चाहिए कि सेम कलर हम वहां पर ला सकते हैं, स्टडी कर रहे हैं या नहीं, ये देखना चाहिए। और मैं हमेशा कॉलेज से एक ये कोशिश करता हूँ कि काम करते वक्त जो आसान चीज है वही बार बार करना है, ऐसे नहीं। मतलब मैंने वैसे कॉलेज के वक्त ऐसे किया था, बहुत बार हम लैंडस्केप, मतलब एक हाउस और पीछे एक ट्री होता है, यही लैंडस्केप ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफी सारे वैसे मैंने वर्क किए थे, पर बाद में मैंने ही सोचा, खुद को पूछा कि यही लैंडस्केप है क्या, मैं अगर हर जगह पर जाता हूँ, अलग अलग चीजें देखने को मिलते हैं, लोकेशन देखने को मिलते हैं, तो वो क्यों ना स्टडी करूँ। कभी टॉप व्यू से आप कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर कीजिए। मैंने काफी सारे 2011-12 में स्टोन सीरीज पर एक वर्क किया था, एक एग्जीबिशन बीच में हुआ था, उसके बाद स्टोन क्रशर पे मैंने वर्क किया है, मतलब 100 मील रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट को लेके काम किया था। तो उसका फायदा मुझे लगता है कि अभी होता है कि अलग सब्जेक्ट हम जब हैंडल करेंगे तो कलर स्कीम का कलर स्टडी काफी अच्छा होगा हमारा, तो ये जरूर होना चाहिए, मतलब कलर स्टडी जरूर अच्छा होना चाहिए हमारा। तो नहीं तो कोई भी जगह पर जाओ, आप हिमाचल में जाओ तो सेम कलर, पुणे में जाओ, मुंबई में जाओ तो सेम ही कलर आप अगर यूज कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा सीखने का जो तरीका है वो कुछ थोड़ा अलग हो रहा है, मतलब गलत हो रहा है ऐसे मैं कहूंगा, तो कलर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पॉइंट आपने किया, जरूर करना चाहिए। यस सर, ये बहुत बिल्कुल जरूरी है। कई कॉलेजेस में मैं अगर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाता हूँ, नहीं तो कई एग्जीबिशन में अगर मैं देखता हूँ ना, तो ये चीज बार बार देखने को मिलती है। तो ये क्यों क्यों करते हैं, मतलब ये कभी पूछते नहीं है कि क्यों करते हैं। लाइट दिखा, येलो ऑकर ही मुझे करना है, स्पेशली पोर्ट्रेट के वक्त देखने को मिलता है, ये पोर्ट्रेट करते वक्त एक ही येलो ऑकर कलर ले लो, आप ब्राउन कलर ले लो, तो वही नहीं है ना, मतलब आप अलग कलर क्यों नहीं ट्राई करते। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कवर किया। एक हमारा पैलेट बन जाता है, हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि अच्छा ये है तो हमें पता है कि कैसे करना है, उसमें हमारी स्टडी जो है वो फिर अफेक्ट हो जाती है ना, स्टडी पर्पज से सही नहीं हाँ, है वो। और इसका एक अच्छा, इसे ब्रेक करना है ना, तो कई बार ऐसे होता है कि हम येलो ऑकर के ही साथ लाइट देते हैं, एग्जाम्पल ये कलर, तो ऐसे अगर होता है, नहीं तो ब्राउन कलर हम यूज करते हैं, तो ट्राई कीजिए कि वो कलर पैलेट से हटा दीजिए कुछ दिनों के लिए, कि अगर वही रिपीटेशन आ रहा है तो उसके साथ आप कैसे ये करोगे, हैंडल करोगे, तो वो अलग सीखने को मिलेगा आपको। कई ओल्डर आर्टिस्ट आप अगर देखते हो तो उसमें देखो कि जैसे जॉन सिंगर सार्जेंट है, एंडरसन है, तो इनके वर्क जब आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि ये काफी लिमिटेड पैलेट के साथ इन्होंने काफी वर्क किया है, तो लिमिटेड पैलेट में भी इतना अच्छा वर्क हो सकता है, ये आप एग्जाम्पल काफी अच्छा देख सकते हो ये आर्टिस्ट कैसे स्टडी करते रहेंगे। तो जी सर, हमेशा खुद को कंफर्ट जोन से हटा दीजिए कि यही कलर यूज करना है, तो अगर खुद का वैसे हो, एटीट्यूड वैसे ही होना चाहिए, हमेशा कुछ अलग हम कर सके। जी और बहुत बार होता है कि ये आर्टिस्ट ने वैसे काम किया है, मुझे भी वैसे करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हर एक का एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग जर्नी होता है, ऑब्जर्वेशन अलग होता है, तो हम अपने तरफ से क्या ऑब्जर्व करते हैं जहां पर भी हम ट्रैवल करते हैं, नहीं तो देखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमारे पेंटिंग में आया तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल हम ट्राई करेंगे सर, आपके जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके ऊपर हम ध्यान रखेंगे। बिल्कुल थोड़ा फाइनल टचेस सिर्फ ये करते हैं या कलर्स में थोड़ा प्ले मैंने किया है, जैसे वहां पर मुझे लगता है कि सामने स्पॉट है वैसे ही होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। थोड़ा मैंने कुछ
शेडोज में रहेगा, तो थोड़ा चेंजेस मैंने अपने तरफ से किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं तकरीबन एक साल से डेली तकरीबन वाटर कलर पेंटिंग करता हूँ, तो मुझे जो मेरे टीचर हैं एम काजमी पाकिस्तान लाहौर से, शायद आप जानते हो, वो मुझे बोलते हैं कि मेरे वाटर कलर में हैंडलिंग अब काफी बेहतर है, लेकिन सर मैं जानता हूँ मेरा ड्राइंग स्किल बिल्कुल अच्छा नहीं है और मैं इसमें इतना कन्फ्यूज रहता हूँ। कभी मैं फिगरेटिव काम शुरू कर देता हूँ, कभी परस्पेक्टिव, कभी पोर्ट्रेट, कभी क्विक स्केचिंग, तो मुझे समझ नहीं आती है स्टेप्स क्या होते हैं, पहले क्या करना है फिर क्या करना है, और ड्राइंग स्किल मैंने कैसे इम्प्रूव करना है। और वैसे मैंने जितना भी वाटर कलर किया है, मैंने सबसे ज्यादा सिकंदर सर को कॉपी किया, यानी इन्हीं आर्टिस्ट को मैंने कॉपी किया, खुद की कंपोजिशन मेरी बहुत कम है, वो शायद इसलिए कि मेरा ड्राइंग स्किल अच्छा नहीं है और आउटडोर करते हुए बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है, तो हाँ। क्या करना चाहिए सर? इसके लिए काफी अलग अलग बुक्स है, वो एक बार रेफर करो, एनाटॉमी की बुक रहे, अलग अलग बुक के साथ जो बेसिक स्टडी है, स्ट्रक्चर रहता है, मतलब एनाटॉमी का स्ट्रक्चर रहेगा, बेसिक शेप का स्ट्रक्चर रहेगा, इसे अच्छी तरह से एक बार समझना चाहिए मतलब क्या होता है। जैसे कि हम कोई भी चीज सीखने से पहले, जैसे कि अगर एग्जांपल दूंगा कि हम स्विमिंग अगर कर रहे हैं, स्विमिंग के वक्त डायरेक्टली आपको पानी में डाल दिया और आपको तैरना आ गया, ऐसे नहीं होता है ना, तो कुछ स्टेप होते हैं कि हाथ कैसे चलाना है, पैर कैसे चलाना है, ये चीजें अगर आप प्रॉपरली सीखते हो, वहां पर सीखना ही पड़ता है, नहीं तो आप डूब जाओगे, ये चीज तो होती है। तो इसके लिए ये सभी चीज ड्राइंग में भी एप्लीकेबल है कि बेसिक इसका क्या है, बेसिक क्या चीजें होती है, एनाटॉमी रहेगा, बेसिक शेप्स रहेगा, उसे अच्छी तरह से जान लो कि क्या है। उसके बाद पेंट ड्राइंग भी उतना ही जरूरी है जितना पेंटिंग मतलब कलरिंग है। कलरिंग हम कई बार ऐसे करते, कलर बहुत जरूरी होता है, ड्राइंग थोड़ा इधर उधर हुआ चलेगा। स्पेशली ऐसे होता है कि जो ज्यादा लैंडस्केप्स करते हैं, लैंडस्केप्स के वक्त आपको थोड़ा चल जाता है कि ड्राइंग चल जाता है, मीन्स कि कुछ गलती हो तो सामने वाले को नहीं तो खुद को भी चल जाता है, ऐसे होता है कि गलत हुआ तो भी मैनेज हो जाएगा, अच्छा दिखेगा, गलती इतनी नहीं दिखेगी। पर जब भी हम शिफ्ट होते हैं, कभी कभी पोर्ट्रेट्स करते हैं, वहां पर एक लाइन भी अगर गलत हुई तो उस वक्त आपका पेंटिंग खराब हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी क्या रहेगा कि आपका ड्राइंग का अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत जरूरी, ये मैटर करता है कि पोर्ट्रेट बनाने के, स्पेशली पोर्ट्रेट में ये गलती आपकी दिखती है। तो गलती मुझे लगता है कि कई बार हम कई लोगों से पूछते हैं कि ये गलत क्या हुआ, इसमें आप अच्छा बताओ कि कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, पर सबसे ज्यादा गलती है खुद को ही हमें पता चलती है, जो चीज हमने की है गलत की है वो खुद को पता चलती है, वो चीज को नोटिस करके उसके ऊपर ज्यादा वर्क करना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा स्टडी करने का एक पार्ट रहता है। मतलब मेरा प्रोसेस वैसा था कि जो चीज मुझे आती नहीं है, जो डिफिकल्ट लगती है, तो वो मैं ट्राई करता था। जैसे कि स्केचिंग, यहाँ बस स्टैंड में हम स्केचिंग के लिए रात को दोस्त लोग सभी जाते थे, तो उस वक्त कई मॉडल्स बस स्टेशन में बस का इंतजार करते हुए बैठते थे, तो उनका स्केचिंग करना। पर उस बार ऐसे हुआ कि बहुत सारा वैसे स्केचिंग किया कि जो चेयर पर बैठते हैं और उस उनका ड्राइंग जो किया है। उसके बाद हमने ये किया कि मतलब ऐसे डिसीजन लिया कि हाँ चलो ये अभी आता है तो अलग क्या कर सकते, जो लोग कई दूर जाते हैं उनका बस जल्दी नहीं होता है तो वो सोए हुए रहते हैं उनके बैग के साथ, तो पर्सपेक्टिव में कुछ स्केचेस हम कर सकते। मतलब हमने ऐसे किया था कि उनका हाथ एक जगह पर है, वो हाथ के तरफ से ड्राइंग करते हैं, जैसे पैर बहुत दूर दिख रहा है पर्सपेक्टिव में, तो वैसे कुछ स्केचेस ट्राई किए थे। तो ये ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो थोड़ा हेल्प होगा आपका ड्राइंग अच्छा होने के लिए, ये जरूर ट्राई करना। लेकिन सर कंफ्यूजन ये रहती है कि पहले पर्सपेक्टिव की स्टडी करूं या पहले पोर्ट्रेट की करूं या फिगर, कभी कुछ करता हूं कभी कुछ करता हूं, तो वो कुछ हो ही नहीं पाता। नहीं, बेसिक शेप मुझे लगता है सबसे पहले ये करो, बेसिक शेप जो एनाटॉमी का कोई अच्छा बुक आप देखोगे तो उसमें काफी सारी कंफ्यूजन आपका आ जाएगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है। वैसे ये करो, मतलब बेसिक शेप सबसे पहले जानना ये बहुत जरूरी है, बेसिक शेप को समझो, उसके बाद पर्सपेक्टिव होगा शायद, उसके बाद एनाटॉमी होगा।
डिपेंड, पर ये सभी चीजों को मिलाकर एक अच्छा ड्राइंग होता है, ये सभी चीजों का एक अंडरस्टैंडिंग एक होता है, तो उसके बाद ही अच्छा ड्राइंग आपका हो सकता है। आपने सिर्फ एनाटॉमी स्टडी किया और पर्सपेक्टिव स्टडी नहीं किया तो आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होगा, तो आप कुछ ना कुछ कमियां उसमें दिखेगी आपको। हेलो सर। हेलो सर। यस सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब मोस्टली कौन से नंबर के ब्रश यूज होते हैं? डिपेंड, मतलब जितना ज्यादा बड़ा एरिया आपको यहाँ पर ये करना है, पेंट करना है, A4 साइज के पेपर के ऊपर मतलब मोस्टली कौन से नंबर के ब्रश यूज होते हैं ये पूछना। ऐसे कोई रूल ये नहीं है कि यही ब्रश यूज करना चाहिए। आपका ड्राइंग जब आप करते हो पेपर पर ड्राइंग करते हो तो उस वक्त डिपेंड करता है कि आप कलर करने वाला एरिया कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो आप ये ऐसे मत जरूर करो कि यही कलर के लिए ये ब्रश यूज करना चाहिए, तो आप जरूर कोई भी ब्रश यूज करो, पर जैसे एरिया है, समझो कि वॉश के लिए मैंने ये फर्स्ट वॉश किया था उसके लिए थोड़ा बड़ा ब्रश यूज किया था, छोटे डिटेल्स के लिए जैसे कि ये ट्रीज के वगैरह पत्ते हैं उसके लिए थोड़ा छोटा मैंने यूज किया है। तो इसे डिपेंड कि आपको क्या इजी हो, जिसमें अगर बड़े एरियाज में छोटा ब्रश मैं यूज करूंगा तो यहाँ कलर का रिपीटेशन बहुत बार हो जाएगा, तो उतना बहुत बार रिपीटेशन अगर ना हो, सॉलिड कलर फ्लो अगर आपको चाहिए तो आप जरूर थोड़ा बड़ा ब्रश यूज कीजिए अपने हिसाब से। सर जी, सर्कल ब्रश अच्छे रहते हैं कि फ्लैट? दोनों, मतलब दोनों में रेफर करूंगा कि आप दोनों यूज कर सकते हो, दोनों के रिजल्ट अलग रहते हैं। मैं फ्लैट ब्रश बहुत बार यूज करता हूँ, राउंड भी यूज करता हूँ, ऐसे कोई ये नहीं है मतलब अच्छा ये है वो है, पर ये सभी एक्सपेरिमेंट की बातें हैं कि आप जिस ब्रश से आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाए तो आप यूज कर सकते हो। देखो पेंटिंग एक ऐसे है ना, ये सभी एक्सपेरिमेंट का खेल है कि आप जितना ज्यादा उसके साथ खेलोगे उतना अच्छा समझ आएगा। बहुत बार हम किसी को पूछ के ये करना चाहिए, और अगर मैं कहूँ कि फ्लैट ब्रश ही यूज करना चाहिए वही अच्छा होता है तो ये मैं कहूंगा कि ये गलत होगा बताना, क्योंकि आपको फ्लैट ब्रश, मैंने कहा आप फ्लैट ब्रश ही यूज कर रहे हो और आपको वो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है तो मैंने कहा हुआ वो गलत होगा। तो आप ट्राई करो, सेम पेपर के साथ भी वैसे ही है, पेपर भी वैसे ही होता है, ब्रश भी वैसे ही होते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करो कि आपको क्या सही लगे। सर क्योंकि मुझे अब ब्रश परचेस करना है इसलिए मैंने पूछा था, आप नहीं, बता दीजिए ना, क्योंकि आप पे एक्सपीरियंस बहुत बड़ा आया है मतलब वाटर कलर में, इसलिए मैं पूछ रहा था। मोस्टली मैंने देखा है कि आप राउंड ब्रश यूज करो फर्स्ट, वॉश करने के लिए एक दो ब्रश आप यूज कर सकते हो बड़े वॉश के लिए, फ्लैट ब्रश तो राउंड ब्रश ज्यादा यूज होगा मुझे लगता है आपके लिए। यस सर, आप नंबर भी बता दीजिए ना ब्रश का आपके। नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मुझे लगता है, पर बता दीजिए कौन से साइज के लिए, मतलब A4 साइज पे ही बना था वो ड्रॉइंग। A4 के लिए क्या अल्टरनेटिव ले लो, मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ले सकते हो। ओके सर, यही पूछ रहा था क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है ना, तो मैं स्केच ही बनाता हूँ। ये ठीक है, पर यस यस ठीक है इसके लिए। थैंक यू सर। यस यस थैंक यू। ऑलमोस्ट फिनिश है, कुछ फाइनल टचेस और मैं देखूंगा यहाँ पर कुछ है। इसी के साथ मेरी एक रिक्वेस्ट भी है सभी जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि जब भी कोई भी सवाल पूछते हैं तो प्लीज अपना छोटा सा इंट्रो, अपना नाम और आप कहाँ से हो वो जरूर बता दीजिएगा तो थोड़ा सा सही रहता है। बहुत मजेदार सर, बहुत मजेदार। थैंक यू।
ये स्टेप समझ में आ रहे हैं मेरे, मतलब थोड़ा फास्ट में वो करता हूँ वर्क, पर थोड़ा सबके लिए थोड़ा इजी हो प्रोसेस समझना, इसलिए थोड़ा स्लो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सही है सर, ये सही है। पुल्स कितना टाइम होगा? अरे टाइम तो 10:30 हो गया, बट कोई बात नहीं, आप ओके कीजिए। सर यस सर, डॉम्स के वाटर कलर बेस्ट रहते हैं या कैमल के? क्योंकि मेरा बजट थोड़ा लो है ना सर, इसलिए। ओके नहीं, डॉम्स तो मैंने यूज नहीं किया है तो मैं उतना आइडिया नहीं दे सकता हूँ। अगर ग्रुप में मुझे लगता है पूल्स किसी ने अगर यूज किए है तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, डॉम्स का मुझे ये नहीं पता है कि वाटर कलर आता है कि पोस्टर कलर की बात कर रहे हैं, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखना है एक बार कि पोस्टर कलर और वाटर कलर दोनों अलग चीज है। अगर आपको मालूम है तो अच्छा है, नहीं है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सर, उस चीज का बता दीजिए ना सर, बता दीजिए ना। अरे सर मैं बता, अरे मैं बता रहा हूँ सुनिए तो। तो डॉम्स के जो है वो मुझे पता है कि पोस्टर कलर तो आते हैं, वाटर कलर का नहीं पता। तो पोस्टर कलर ओपेक मीडियम है, उसे आप नहीं यूज करेंगे तो सही है। कैमल के आप स्टूडेंट ग्रेड कलर ले सकते हो, सस्ते मिल जाएंगे, या फिर फेवर कैसल के भी आते हैं आई थिंक, वो भी आप यूज कर सकते हो, भी सस्ते मिल जाएंगे। ओके सर, ठीक है सर। मेरा बजट लो था इसलिए मैंने आपको पूछा, मैंने ब्रश के भी नंबर पूछे क्योंकि मेरा थोड़ा बजट लो है ना, इसलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं, आप कहाँ से हो सर? मैं महाराष्ट्र अकोला से हूँ, मेरी एज है तो आप 14 ईयर। हाँ, आप 14 साल के हो? हाँ। और ओके, तो सही है, आप इतनी छोटी उम्र से ही इंटरेस्ट ले रहे हो, तो अगर आप ऐसी लगन से करते रहोगे ना तो काफी अच्छा करोगे। और मिनिमम आप कैमल के या फिर कुछ दूसरे कलर भी आते हैं ना, वो केक कलर आते हैं, वो भी सस्ते मिल जाते हैं। यस सर, यस सर। तो आप ब्रश के नंबर 04 2 8 10 यही नंबर है ना? आप एक काम कीजिए, कलारंभ की आईडी पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि आपका नाम क्या है। ओम ओम है, ओम। तो हाँ। अपना अपने नाम से मैसेज कर दीजिएगा कलारम के इनबॉक्स में, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जरूर गाइड करेंगे, ठीक है? यस, इंस्टाग्राम पे ना सर? हाँ, इंस्टाग्राम पर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, वेलकम। ओके, मैं मुझे लगता है इतना ठीक है ये वर्क, मैं फाइनली ये करता हूँ साइन। बहुत अमेजिंग सर, मजा आ गया। और सर जो भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं, आर्टिस्ट जो भी जुड़े हैं, वो सभी आपको थैंक कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और काफी प्रेज भी कर रहे हैं आर्ट वर्क के लिए, बहुत ही अमेजिंग आर्ट वर्क बना है। यस, थैंक यू सो मच। वो आप टेप उतारने वाली रस्म भी निभाएंगे ना सर अपनी? कौन सा? वो टेप निकालते हैं। हाँ हाँ, यस यस, जरूर जरूर। मस्त, बहुत ही खूबसूरत, भर भर के कमेंट आ रहे हैं सर। फंटास्टिक, बहुत सुंदर लग रहा है वो लाइट एंड शैडो।
पागल हो गए उसको देख के, तब से मैं वही देख रही हूँ। मैं सर को कह रहा था कि वही रुक जाओ आप। नहीं वही है मतलब प्रॉपरली मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको कुछ डिटेल्स। वाह वाह लवली। मजा आ गया सर, मजा आ गया। सर वो हम स्टार्टिंग में बताना भूल गए थे कि जो ये डैम होते हैं वो पेंटिंग कला हमको जमा करवानी पड़ती है। ठीक है जूम कॉल में मैं भेज देता हूँ। सही है, एक फोटो निकाल के भेज दो उनको। यस यस जरूर। वाओ ये करता हूँ। यस यस चलो फाइनली हो गया। और कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है तो जरूर आप पूछ सकते हो। कुछ एक सर आपके पड़े होंगे साथ में तो दिखाइए ना सर। आपके पास कुछ फिगर की ही प्रैक्टिस के वाटर कलर में कुछ होंगे तो वो भी दिखा दीजिए। यस यस जरूर जरूर। अगर नजदीक पड़ा है तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको ज्यादा कष्ट करना पड़े तो नहीं नहीं यार जरूर जरूर करूंगा सर। प्लीज आप एक ऑयल वर्क भी दिखा देना जरूर। आज का डेमोंस्ट्रेशन तो मैं सभी को बाकी को रिक्वेस्ट करूंगा जब तक सर दिखा रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सर को पर्सनली रील स्टोरी में टैग कीजिएगा और थैंक यू कीजिएगा। अच्छा लगेगा। ये 2019 का ऑयल कलर है। नासिक का है ना सर? नासिक का। यस 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 देखा सर वो पहाड़ पहचान लिया सर मैंने। झूठ मत बोलो सर वो सच में। अलका मैम वो पार्ट वो बहुत बनाते हैं प्रफुल सर। अच्छा रिसेंटली फोटो वर्क ये कहाँ का है सर? ये हिमाचल का ही है। वाह मनाली का है। हाँ वहाँ काफी अच्छे हाउसेस वगैरह है। एक मैंने रिसेंटली किया था हम्पी। हम्पी में? यस हम्पी के ऊपर एक एग्जीबिशन मैंने ये किया था और सीरीज किया था इसके ऊपर। काफी अच्छा अलग स्पॉट है यहाँ पर काम करने के लिए। ये छोटे चित्रपट पेपर के ऊपर किया था। मतलब स्टोन सब्जेक्ट जो रहता है उसके ऊपर मैंने काफी सारा वर्क किया। अभी तक करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है स्टोन सीरीज का काम करने के लिए। खूब चांद सर खूब चांद। ये कुल्स ने कहा खूब चांद। सॉरी थोड़ा और आपको बताता हूँ। एक ओल्ड मेरा पोर्ट्रेट बता दो कॉलेज के टाइम में मैंने किया था ऑयल कलर्स में। जो सर आपने पिन किया, जो सर आपने पिन किया हुआ है ना वो। अरे वाह वाह कॉलेज टाइम का वर्क है ये। थोड़ा भी इसके ऊपर डस्ट है आपके। बहुत खूब सर। थोड़ा डस्ट है ये प्रॉपरली डार्क कलर। यहाँ थोड़ा ग्रेज दिख रहा है। कनिष्ठा वो लिंक शेयर कर सकते हो जिससे कि वो ग्रुप में ज्वाइन कर सके जो कलारम के कॉमन ग्रुप है। सर यहीं पे शेयर कर दूं? हाँ यहीं पर शेयर कीजिए प्लीज और yes. उसके बाद स्टोरी में भी हम शेयर कर देंगे। कुछ और वर्क है ये वर्क कतर में 3 साल पहले गया था तो उस वक्त किया था। वो ऑन लोकेशन का ही था। लवली बहुत अच्छा।
मतलब मुझे लगता है काफी टाइम बाद देखा रहेगा। ऑयल कलर बहुत सारे हैं मैंने किए हुए, एक ये कतर का अलवाकड़ा साइट का है क्या, अलवाकड़ा का है क्या? नहीं अभी ये एक एग्जैक्टली नाम अभी याद नहीं है मुझे कि क्या है, लेकिन आपके लिखा था एक ऑयल कलर मैंने किया था कॉलेज टाइम में। वाओ वाओ सर ये बहुत, सर आप पोस्ट कीजिए ना इनको प्लीज। हाँ करूँगा, ये पूरा नाइफ और सभी ऐसे से वर्क है, आप देख सकते हैं। सुपर सर बहुत मजेदार, मजा आ गया। कॉलेज टाइम में किया था सर ये आपने? यस यस 2013 वगैरह ये रहेगा। ओ भाई देखो अगर पास ही कुछ है। कनिष्ठा जी ने शेयर कर दिया है ग्रुप में लिंक, हमारे चैट बॉक्स में लिंक हमारे ग्रुप का, तो वहां पर जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है जो भी हमारी इवेंट होती हैं उसकी अपडेट मिल जाती है आपको। हाँ अचिंत जी पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, वो मैं बताता हूँ। राजवीर का जो मेरा बेटा है उसने कुछ वर्क किए थे वहां पर, हाँ मतलब काफी अभी 2 साल का ही है, उसे सिर्फ कलर्स दिए थे, मतलब अभी तक उसे सिखाया नहीं कि ऐसे ब्रश पकड़ना है, काम ऐसे करना है, वो दिखा था वो। बहुत अच्छा, मतलब मैं देख रहा था इसके वीडियोस मैंने लिए थे, मतलब ब्रश लेते समय ऐसे ऐसे ये टाइप कर रहा था अपने हिसाब से, मतलब वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जिसे पता नहीं है वो कैसे पेंट कर सकता है, पर ये काफी अच्छा लगा कि स्पेस डिवीजन भी है, ड्राई स्ट्रोक्स है, वेट ऑन वेट है, ये सभी चीजें है। वाह जेनेटिक्स में आ गया सर। हाँ अरे वाह सही में सर ये ऐसे लग नहीं रहा छोटे बच्चे का काम है किसी का। हाँ ना मतलब 2 साल का भी इतना अच्छा कर सकता है, पर ऐसे अभी मैं फ्रेम करने के लिए दे रहा हूँ हर किसी में स्कीम है ऐसा। हाँ हाँ मतलब और उसे ऐसे ही किया था, पूरा पैलेट दिया था कि जो यूज करना है वो कर, मतलब उसमें एक स्कीम आ गया, पर हर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है, दिन फिर वो रेड ग्रीन लिया है, मतलब यस क्या बात। और कुछ स्टडीज वहां पर किए थे जो गोवा में एक अरम्बोल बीच में हम गए थे, ये छोटा कलर स्केच है ये लैंडस्केप का, कुछ फिगर्स वहां पर जो बीच पर रहते अमित सर। ये तो आपने अच्छा स्टडी किया, कुछ बताइए गोवा के बारे में, घूम फिर के ये लोग कहीं भी इवेंट में जाते गोवा में पहुंच जाते, ऐसा क्या हुआ? गोवा में काफी अच्छा लगा, मतलब हर एक का मुझे लगता है एक्सपीरियंस अलग रहेगा। नहीं काफी सबने अच्छा काम किया, स्पेशली चाहे खजुराहो जाओ आपको मिस किया, गोवा की बात करते। हाँ हाँ अलका मैम क्या बोलते हैं, ऐसा ही था ना? म्यूट करके रखा है अलका मैम को आपने? ओह अच्छा चलो नहीं काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफी अच्छा रहा काम करने के लिए वगैरह, सबने एंजॉय किया और उतना ही काम किया। हाँ वो बहुत अच्छा गोवा का ट्रिप था, हमने भी देखा और आपको काम करते हुए देखा हमने, वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ का एक एक्रेलिक है पूल के किनारे, एक ये एक्रेलिक किया था वहां पर जहाँ पर हम रुके थे, हाँ वही किया था लास्ट डे किया था एक्रेलिक में, एलिफेंट पर जो एक्रेलिक है आपने काम किया मुझे लग रहा सारा उधर। नहीं किया सबने किया। ये स्टडी जो मैं कह रहा था जो फिगर्स के बारे में, जो फिगर्स यहाँ पर किए, यहाँ पर पेंसिल यूज नहीं किया, मतलब कुछ ऐसे अलग बात नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, सभी करते हैं, पर यहाँ पर यूज क्यों नहीं किया क्योंकि क्विक इम्प्रेशन वहां पर लेना था, जो सामने
कुछ सेलर ये कुछ चिप्स वगैरह बेच रहे थे कुछ बच्चे वहां पर, कुछ फिगर्स गोवा में कैसे है वो मेरा ज्यादा ये रहता कि जो लोकेशन है वहां का हमारे पेंटिंग में दिखे, और इसका यूज मुझे कहाँ होगा, अगर कोई लैंडस्केप किया है तो ये कुछ कहाँ पर प्लेस करना है वो सब्जेक्ट के लिए, तो ये इजी होगा। तो आप पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं और कलर के साथ भी कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यस और उसके साथ ऊपर ही एक स्केच में बता रहा हूँ आपको। पेंसिल स्केच क्या बात, वाह थैंक सर, लवली नहीं बोला कुछ। अरे सर कंट्रोल तो कर रहा अरे हूँ बड़ी मुश्किल से तो कंट्रोल कर रहा हूँ सर। यस, तो ऐसे है मतलब प्रोसेस ऐसे रहता है काम करने का, स्टडी करने का। बहुत मजेदार, बहुत मजेदार सर, आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा। तो कनिष्ठा थैंक यू सर अपने बेस्ट सब काम दिखाने के लिए, स्पेशली जैसे बहुत से लोगों को, इवन मुझे भी नहीं पता था आप ऑयल पेंटिंग्स भी जो करते हो वो सब दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए और हमें देने के लिए और इतना ब्यूटीफुल डेमो देने के लिए। इट इज लवली, मतलब पेंटिंग बहुत ही अमेजिंग बनी है। थैंक यू सो मच, एंड मैं थैंक यू करना चाहूंगी आप सभी का जो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे, एंड सर का इतना अमेजिंग डेमो आप सबने देखा। बाकी अगर किसी का कुछ स्किप हो गया है स्टार्टिंग में मिड में, सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपको पूरी की पूरी वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। एंड एनी ऑफ यू इफ इफ यू आर गोइंग टू ट्राई दिस पेंटिंग, आप उसको ट्राई करके सर को भी भेज सकते हैं अपने रिव्यूज के लिए सर के इंस्टाग्राम पे, एनी वेयर यू लाइक। एंड कलारम को भी टैग कीजिएगा, एंड किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है तो प्लीज सर को और कलारम को टैग करके इंस्टा पे पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू टू आवर फाउंडर्स एज वेल, उनकी वजह से हम ये हर संडे का डेमो एंजॉय कर पाते हैं विद सच अ गुड आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच सर। और सिर्फ मैं बताना चाहूंगा जरूर, काफी लोग जुड़े हैं। हर वक्त जब डेमो होता है सिर्फ आप देखिए मत, ट्राई कीजिए। हर आर्टिस्ट का एक अलग अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग अलग टेक्निक है, ये काफी अच्छा टेक्निक आपको सीखने को मिल रहा है मतलब ये प्लेटफॉर्म से। तो ऐसे इंस्पायर होके बहुत ज्यादा काम कीजिए। मतलब मैं कहूंगा कि देखने से सिर्फ हम देख सकते, ऐसे समझ सकते कि हम हाँ चलो हमें आ गया, पर प्रैक्टिकल जितना करोगे ये सभी के टेक्निक के साथ एक्सपीरियंस के साथ, तो उतना काम आपका अच्छा होगा जरूर। तो बहुत ज्यादा पेंटिंग कीजिए और स्टडी के साथ, सिर्फ पेंटिंग करना ऐसे नहीं, समझ के कीजिए। तो आपका शॉर्ट में कहेंगे रोना बंद कीजिए, काम पे लगे। यस यस थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस यस थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अमित सर आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और फ्यूचर में भी हम यही कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलना होता रहे, आपसे जितना सीखने को मिलेगा हम बिल्कुल कोशिश करेंगे सीखते रहने की। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे किसी आर्टिस्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।